हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक मिनट, आज फिर से चिटचैट वाली वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ऑफ मन किया आपके साथ बात करने का। तो अभी मैंने ना दो तीन तीन वीडियो शूट किए हैं एंड मुझे ना सिक्स या सेवन डेज के बाद में ना वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं कब शूट किया था? हाँ सॉरी, थर्सडे को मैंने शूट किया था। थर्सडे को क्या था, वट सावित्री की पूजा थी ना, उस दिन मैंने शूट किया था। देन उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। क्या हुआ पता है, थर्सडे को शूट किया, फिर फ्राइडे को है ना, क्या हुआ, हाँ थर्सडे को मैंने शूट किया एंड फ्राइडे को सुबह जाके मैंने वैक्सीन ली थी। फ्राइडे को जाके मैंने ना वैक्सीन ली। हाँ तो हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि वैक्सीन की वीडियो शूट की है तो हमारे साथ शेयर करो। तो फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं की है बिकॉज नहीं की। इसका ये रीज़न है कि क्या वो पता है, मेरे हस्बैंड ने, ओके बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने सुबह 6 बजे जाके नहा धो के 6 बजे जाके लाइन में अपना नंबर लगाया था। तो फर्स्ट नंबर जो है ना वो हमारा ही था वैक्सीन का, ओके। तो आप सोचो, वो सुबह 6 बजे लाइन में नंबर लगाए, तो मैं सुबह कितने बजे उठी, रात को ऑलरेडी मैं थक गई थी, शूट उठ करके सब मैं थक गई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप जाओ, मुझे सुबह मत उठाना, मैं थक गई हूँ। तो उन्होंने मुझे कितने बजे उठाया, नहीं उन्होंने नहीं उठाया, मैं खुद से उठ गई 7:30 बजे मैं उठी। फिर मैंने ना नीचे गई, उस दिन ना क्या था, हाँ नाश्ता बनाया था हमने। तो दीदी ने मेरे रोटियां बनाई थी, चपाती, एंड देन नीचे जाके मैंने ना कुछ भुर्जी का कुछ किया था, अंडे की भुर्जी किया था। फ्राइडे था क्योंकि नाश्ता वाश्ता करके वैक्सीन लेने के लिए जाना था। सुबह आके वो मैंने किया, फिर नहा के मैंने पूजा करके फिर मैं एक नाश्ता करने के लिए बैठी। तब उनका फ़ोन, नहीं मैंने उससे पहले भी उन्हें फ़ोन किया था कि नंबर अपना, नहीं मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि नंबर अपना नंबर कौन सा है। तो बोले फर्स्ट नंबर हमारा ही है वैक्सीन का, तो तुम खाना वाना खा के वैक्सीन लेने के लिए आ जाओ। तो मैंने नहाया, पूजा की, देन उसके बाद मैंने खाना खाने, मतलब मैंने ना रोटी खाने को ही ली थी, मैंने एक रोटी खा ली थी। तो उस दिन क्या रोटी थी या भाकरी थी पता भी, इतना भी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो था। तो मैंने खा ली थी रोटी। देन क्या हुआ कि है ना, क्या थी मैं, हाँ रोटी खाने को, हाँ बैठी थी रोटी खाने के लिए। तो मुझे फ़ोन आया कि बोल, हस्बैंड का फ़ोन आया कि तू जैसे वैसे जल्दी आ, यहाँ पे वैक्सीन का यहाँ पे नंबर है ना, फॉर्म फिल करके लेते हैं, वो फॉर्म फिल कर लेते हैं, आधार कार्ड नंबर मांगते हैं, नाम पूछने को बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने रोटी तो खा ली थी, तो मैं ना थोड़ा मैं तैयार हो गई वैक्सीन के लिए जाने के लिए। तो मैंने स्कूटी पे गई, तो मैं स्कूटी ली एंड मैं हमारे स्टेशन के यहाँ पे ही ग्राम पंचायत ऑफिस है स्टेशन के यहाँ पे, ओके। स्टेशन मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ तो हमारे यहाँ लोकल आती है, मुंबई से हमारे यहाँ आती है, ओके। एड्रेस नहीं बता सकती लेकिन मुंबई से हमारे यहाँ आती है। तो मैं प्रॉपर मुंबई में नहीं रहती, मुंबई के थोड़ा बाहर रहती हूँ, लेकिन हम आते हैं मुंबई में। तो स्टेशन के यहाँ पे हमारा गाँव है, गांव मतलब सिटी है हमारी, स्टेशन है ऑब्वियसली सिटी होगी, तो लेकिन ग्राम पंचायत है, ओके। अब ये ग्राम पंचायत में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जाने दो। वहाँ पे वैक्सीनेशन का सेंटर है, तो वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गई स्कूटी लेके, लेकिन मैंने मोबाइल लेना, मैंने मोबाइल ही नहीं लिया बिकॉज ऑफ मेरे दीदी का बाबू है, उसका ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, तो मेरे फ़ोन से ही उसके क्लासेस रहते हैं, लिंक आती है। तो मैंने घर पर फ़ोन रखा, फिर मैं वैक्सीन लेने के लिए गई, तो मैंने वो शूट ही नहीं किया,
ओके तो किसी ने मुझे बोला था कि आप शूट किया है तो बताइए, तो डियर मैंने इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। एंड शूट अगर मेरे पास मोबाइल होता तो भी मैं शूट नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ मैंने कभी बहुत सारे लोगों में ये सब शूट नहीं किया है इस तरह से। प्लस मेरे हस्बैंड सुबह 6 या 6:30 बजे जाके नंबर लगाते, अगर मेरे हाथ में अगर फ़ोन दिखता ना तो वो बहुत चिल्लाते, तो इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। ओके देन फिर मैंने वैक्सीन ली। ओके कहाँ थी मैं, 6 या 7 दिन के बाद, 7 या 8 दिन के बाद मैं आज शूट कर रही हूँ। ओके आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या है, 1 मिनट रुको ज़रा। ओके आज है 2 जुलाई। ओके ये वीडियो कब आएगी पता नहीं, तो आज मैं शूट कर रही हूँ ना, तो वैक्सीन लेने के बाद ना मैंने वैक्सीन ली फ्राइडे को आई थिंक। ओके फ्राइडे को मैंने वैक्सीन ली, फिर ये हाथ ये सॉरी लेफ्ट हैंड है ना, जब वैक्सीन लिया ना तो उस दिन ज़्यादा उस टाइम तक है ना एक घंटा मुझे कुछ दर्द नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा ही पेन कर रहा था। उसके बाद है ना मेरा हाथ थोड़ा सा सूज गया, 1 घंटे के बाद सूज गया, फिर क्या हुआ सूज गया, फिर दर्द करने लगा, यहाँ से यहाँ तक दर्द करने लगा, फिर यहाँ से इतना ये पूरा हाथ मेरा दर्द करने लगा। एंड मुझे इस साइड सोने भी नहीं आ रहा था, तो मैं इसी साइड 2 दिन इसी साइड सो गई थी। एंड उसके बाद है ना थोड़ा मुझे थोड़ा सा बुखार भी आया था वैक्सीन लेने के बाद। ओके अब बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है, बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लेते, उनको लगता है कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने देखा होगा जब बच्चे जब पैदा होते हैं स्टार्टिंग में, मतलब वो 1-2 दिन के होते हैं या फिर 5 दिन के होते हैं, तो उनको एक फर्स्ट टीका लगाते हैं। तो मेरे हमारे बाबू को भी फर्स्ट टीका लगाया था, तो वो फर्स्ट टीका जब लगाते हैं ना तो उनको दर्द भी करता है प्लस उनको बुखार भी आता है, तो तब है ना एक दवा देते हैं पैरासीटामल देते हैं कि उनको है ना तुरंत वो दे देते हैं, कि ये बोलते हैं कि अब इसको बुखार नहीं आएगा एंड वो दर्द भी नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे वैक्सीन दी एंड 20 मिनट वहीं पे बैठ के रखते, बिकॉज अब बहुत सारे लोगों को चक्कर आते हैं या फिर साइड इफेक्ट होते, तो उन्होंने 20 मिनट हमें वहीं पे बिठाया। 20 मिनट के बाद उन्होंने एक टैबलेट दी, पैरासीटामल दी, दो पैरासीटामल की गोलियाँ दी एंड बोला खाना खाने के बाद इसे खाना है। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने ना मतलब वैक्सीन दी, उसके बाद घर आई, खाना वाना खाया, देन खाना वाना खा के फिर मैं सो गई, बिकॉज ऑफ जब वैक्सीन लेते हो ना तो आपको बहुत नींद आती है। ओके तो खाना वाना खाया एंड सो गई। उसके बाद तो मुझे थोड़ा सा है ना उसके बाद थोड़ा सा बुखार आया, ओके फीवर आया, तो उस मैंने क्या किया फिर अंडर ये पेन भी बहुत कर रहा था, हैंड पेन भी बहुत कर रहा था, तो है ना फीवर आया, फिर मैंने फिर से उठी एंड मैंने चाय में बिस्किट या कुछ खा लिया शाम को, फिर मैंने वो टैबलेट ले ली, टैबलेट ले ली, फिर मुझे अच्छा लगा, मतलब वो बुखार था वो चला गया। ओके तो बोलना ये है कि अगर आप वैक्सीन लेते हो ना तो आपको है ना थोड़ा सा बुखार आएगा या फिर आपको ज़्यादा नींद आएगी। मैं तो 2 दिन मैं छुट्टी नहीं 2-3 दिन मैंने छुट्टी नहीं किया, बिकॉज ऑफ थोड़ी सी ना वीकनेस भी आपको फील होती है, प्लस आपको बुखार, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो आपको बुखार नहीं आएगा, इम्यूनिटी पावर आपकी थोड़ी लो है तो आपको बुखार आएगा, ज़्यादा नहीं आता लेकिन थोड़ा तो आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो नहीं आता, मेरे हस्बैंड को नहीं आया था बुखार, थोड़ा सा उनको वीकनेस की प्रॉब्लम हो गई थी बट स्टिल वो ठीक हो गए। 3 दिन के बाद उसका असर कम होता है एंड फिर रेगुलर जिस तरह से हम होते हैं ना उसी तरह से होते हैं, बट 3 दिन में इतना सोई थी कसम से, मैं ना एडिट की जो वीडियो है ना मेरी एडिटिंग वो भी मैं कर नहीं पाती थी, बिकॉज जब फ़ोन ले देना तो मेरी मेरी आंखें है ना भारी हो जाती थी और मुझे नींद आती थी, इसलिए मैंने जो भी वीडियोस थी ना वो शूट करके रखी, एडिट करने को मुझे मिला ही नहीं, और घर का भी काम होता है ना तो टाइम ही नहीं मिलता था, तो अभी मैंने 2 दिन पहले है ना एडिट करके डाली वो वीडियो। तो बोलना ये है मुझे, अगर आप वैक्सीन लेते हो तो प्लीज़
वो ऐसा मत सोचना कि आपको बुखार आएगा, फिर आपको पेन करेगा, आपको वीकनेस होगी, साइड इफेक्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ वैक्सीन ले लो, अगर आपने नहीं लिए तो ज़रूर वैक्सीन लेना। एंड अपना और अपने फैमिली का भी ध्यान रखना। अभी बोल रहे हैं कि थर्ड जो क्या बोलते हैं, अभी सेकेंड क्या बोलते हैं उसको, मराठीत काय बोलतात रे, हा मराठीत आम्ही बोलतो तिसरी लाट, आता मला एवढं आठवत नाही। ओके, तो वो आने वाली है, तो अपनी इम्युनिटी पावर को बढ़ाओ एंड वैक्सीन लो। तो यही बोलना था, जस्ट मैंने एक लाइफ लाइफ अपडेट दिया आपको। तो दैट्स इट, वैक्सीन लेना और अपने अपने फैमिली का ध्यान रखना। एंड इसीलिए मैंने जो वीडियोस थी ना वो रेगुलर अपलोड नहीं कर रही थी। तो यार प्लीज़ सपोर्ट करना। एंड मैंने ना वैक्सीन दिया था तो उस दिन का पोस्ट डाली थी, तो आपने देखा होगा। तो प्लीज़ 2-3 दिन अगर वीडियो नहीं आती है तो प्लीज़ बुरा मत मानना एंड वीडियोस को ज़रूर देखना। एंड आपकी जो भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। एंड दैट्स इट, यही बोलना था, यही छोटी सी लाइफ अपडेट, दैट्स इट। अभी कितने बजे है, रात के 9 बजे है। अभी मुझे मेकअप उतारना है, ट्राई ऑन करना है, शिट ट्राई ऑन करना है, सबसे पहले ट्राई ऑन करूंगी, मेकअप उतारूंगी, आपके लिए हॉल आने वाला है। ओके, तो यही थी लाइफ अपडेट थोड़ी सी। एंड चलो गाइस, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखना, वैक्सीन लेना, दैट्स इट। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।